इतना टाइम हो गया, बताने मुन्ना भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? आगे पुलिस! अरे पुलिस तो नीचे रोज आती है। अबे ये वो पुलिस नहीं है, लगता है स्पेशल ब्रांच का पुलिस है। तुम लोग भागो इधर से। अब क्या होगा? लगता है पुलिस की रेड पड़ गई है। तुम लोग अपने अपने गाँव भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा। लेकिन नानजी भाई को मैं संभाल लूंगा। भागो, संभालोगे ना? अरे भागो, उधर से नहीं, पुलिस आ रही है। पीछे के रास्ते से जाओ, भागो भागो, अरे जाओ भागो इधर से भागो। साहब पुलिस स्टेशन तो इधर है, आप ऊपर कहाँ जा रहे हो? कौन सा सेक्शन? मैं पुलिस नहीं हूँ, फिर सीआईडी हूँ। पर साहब फिर आपने ये पुलिस वाले की वर्दी क्यों पहनी है? अभी क्या सारे कपड़े में सबको डाउट जाता है कि ये सीआईडी का आदमी है। हाँ। पुलिस का वर्दी पहनेगा तो किसको डाउट जाएगा कि सीआईडी का आदमी है। वाह वाह क्या आइडिया है। ताली क्या मारता है? सलामर सब सब कोई नहीं लगा। अरे यहाँ कोई नहीं है, पूरा लाइन क्लियर है। मैंने उनको बोला कि पुलिस आ गया। पुलिस आप लोग है पुलिस। क्या डरा दिया यार तूने। रोकड़ा कहाँ? अरे रोकड़ा तो नानजी भाई कल ही ले गए, लेकिन अंदर जो माल पड़ा है रोकड़ा से कम नहीं है, कम से कम 3-4 करोड़ का होगा। किधर है? पूरा बैग भर ले रे। किधर है? अंदर है रे। नानजी से कांजी निकाली। ये माल कम से कम 3-4 करोड़ का है। ये देखो, गुड। मैंने 2 बैग भी रेडी किया है। अब मैं नानजी भाई की खटिया खड़ी कर दूंगा और अब मुझे भाई बनने से कोई रोक नहीं सकता। या भाई बनाया तूने, तेरे बिना चैन मुझको ना आए, तेरे बिना नींद मुझको ना आए। अच्छा हुआ रे बापा, मेरा मोहिनी थिएटर का पीटी से जोकर का ड्रेस भी मिल गया। अच्छा हुआ रे बापा। आजा आओ चलो। आप लोग चुपचाप कहीं ना कहीं छुप जाओ। हाँ चलो। छिपने का? चलो। आप कहाँ जा रहे आप? अरे बाबा अपने घर में छुपने का, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बराबर कहने राजू। बाबू भैया चुप ना, नाम नहीं लेने का। तू समझा श्याम, ये राजू बराबर बोलता है, किसी का नाम नहीं लेने का। हो टोपी संभालो। नाम क्यों ले रहे आप छुप जाओ, कहीं भी पीछे जाके छुप जाओ सब लोग। अरे क्या कर रहे हो आप? तू बोला ना पीछे छुप जाने को। अरे मेरे पीछे मत छुपो, उधर जाके कहीं छुपो। जल्दी चलो, पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए। काम करो तरीके से। निकाल पुलिस। अरे बाप रे पुलिस है। पुलिस लेकिन इसी जोकर की ड्रेस में। अरे ये तो बाजू वाला है, ये तो 2 चोर है रे। अरे तो फिर हम डर क्यों रहे हैं इनसे? ये असली पुलिस हमारे बाबा। लगता है खूफिया पुलिस है। साहब सीबीआई से क्या आप लोग? नहीं, एसआरबी बोले तो स्पेशल ब्रांच के होते हैं। तेरे को नहीं मालूम है भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कोई एक दूसरे के पैर नहीं दबाएगा। नहीं करे सर। बैग पीछे करो, पीछे जल्दी। और अब हाथ ऊपर करो। जोकर रस्सी लेके आओ। जोकर भी रस्सी ले आओ। रस्सी तो मैं भूल गया रे राजू। रस्सी भूल गए बेवकूफ। बी कैटेगरी के C क्लास लोग, कहीं से भी रस्सी लेके आओ। जोकरार मेरा पजामा का नाड़ा चलेगा? नहीं। ये बाबा ये तेरे पास रस्सी है क्या घर में? रस्सी मैं थोड़ा घाई में भूल गया रे। रस्सी है मगर वो क्या है कि बांद्रा में है, जाके लेके आऊं क्या? अभी लेके दो। बांद्रा नहीं रे बाबा, तेरी खोली के सामने तो जिस पर कपड़ा सूखाता है ना वो रस्सी ला। जा लेके आना। 1 मिनट। हाँ वो तेरा कपड़ा सूखाता है वही रस्सी लाना, बाजू वाले का नहीं। साहब आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना पिट्टूस। रस्सी लेके जाने। घूम क्या रिवर्स। हाँ चलेगा इतने रस्सी। अबे शादी में आया जो मैं तुझे मंगलसूत्र पहनाऊंगा। बड़ी रस्सी लेके आ, वरना एक गन देगा मार के 2 फीट का कर दूंगा, समझे? साहब हम लोग मैनेज कर लेंगे ना साहब, रस्सी ला कर लेंगे ना साहब। करो जोकर भी, जोकर है, हेल्प करो, मदद करो। तेरे पीछे मैं हूँ। और सब थोड़ा थोड़ा रस्सी बांधना, चीटिंग नहीं करना। टाइट है ना? अरे साहब लूज हमको चलता भी नहीं है। गुड। हाँ निकलेगा नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सुबह तक हिलेगा नहीं साहब, जवान दिया हिलेगा तो तीन बाप का। गुड है सर, बाय बाय। अरे झुक के क्या कर रहे हो आप? ताला खोल रहा हूँ। अरे ताला मारने को किसने बोला था आपको? अरे ताला मारेगा तो ही बाजू वाले को लगेगा नहीं कि बाहर गए, नहीं तो लगेगा कि हम लोग अंदर बैठे हैं। ये लात मत मार भेड़ा, खोल रहा हूँ। चलो चलो। अबे मेरे को तो अंदर लो। अरे हाँ जा जा, बाबा तो मेन आइटम ही बाहर रह गया। ये ताला ये कोई अभी ये दरवाजा बंद कर दिया, फसला सब अंदर आ गए। चलो कॉस्ट्यूम पहना हुआ तुमने अभी भी। और इनकी तुम वो क्या कबूतरों की तरह हवा में उड़ गए? सॉरी, चल मेरे साथ, तेरे को बताता हूँ। चलो बैक चेक करते हैं, चलो माल जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। बहुत दिनों के बाद हरी पत्ती देखने को मिलेगा देवा। ये तो घास फूस है। घास नहीं है रे, घास के नीचे देख। वो हम लोग आम के ऊपर घास कैसा बिछाते हैं, असली माल नीचे होगा। तो देख आम पकाते ना वैसे माल, ये पकेगा माल। कुछ नहीं है यहाँ पर। अरे ये तो आटा है, आटा भी है इसमें। क्या मायला, ये इतना मेहनत करने के बाद में मिला क्या? गाय का चारा। और वो तोतरे सन को क्या आटा खिलाएगा तू? बाहर डालेगा हमें। अरे ये घास फूस नहीं है तो ये अपना गांजा है, गांजा, चरस गांजा। हाँ, और ये हीरोइन है। कौन सा पिक्चर का हीरोइन? अरे पिक्चर के हीरोइन नहीं है, ड्रग्स है, ड्रग्स। ड्रग्स दे यार, पुलिस वालों को दे देंगे, वो कर लेंगे जो करना है इसके साथ। अरे यार बेवकूफो, अपने को लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए। अरे क्या बात करता है ये घास का, तेरे को लाख रुपया कौन तेरा बाप देगा? ये लाखों का मालिक करोड़ों का माल है। तेरे को कैसे मालूम? मेरे को सब मालूम है, मेरे को मालूम है। वो जो 4-5 करोड़ की बात कर रहे थे ना, उन लोग ड्रग्स की बात कर रहे थे। और मैं एक और आदमी को जानता हूँ जो इसकी हेरा फेरी करता है, उसको मैं जानता हूँ। हम लोगों को कम से कम 3 करोड़ रुपए मिलेगा। 3 करोड़? हाँ। 3। ये बेच के अपना कर्जा तो चुकता हो जाएगा ना राजू, तेरे को इतना मालूम है ना? सब चुकता हो जाएगा। और बाकी जो गांजा बचेगा उसकी अगरबत्ती बना के बेच डालेंगे। माल ही माल है। जोक मारा, सो जाओ सो जाओ, समझो करोड़पति बन गए। और टूंडे की तरह मत रहो, पाँव सीधे करो। हेरा फेरी। ये राजू मेरे पैसा, ये राजू मेरे पैसा दे। मैं मार डालेंगे तेरे को। आहिस्ते बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। आहिस्ते बोलो, आहिस्ते बोलो। क्या हुआ, क्या हुआ? आओ क्या, जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। मेरे को सपना गिरा कि ये राजू मेरा पैसा लेके भाग गया है, हरामी। वैसे भी 5 बजे का सपना हमेशा सच्ची होता है। ये देख। हाँ मेरे को भी सुबह सुबह सपना आया था कि तू पैसे लेके भाग रहा है और मैं तेरा मर्डर कर रहा हूँ। क्या बात करता है, मंजे राजू का खून और तेरे को फांसी। माने पूरा माल मेरा, पूरा माल मेरा। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। ये शिंदे, ये मात्रे, ये सब जेंटलमैन लोग इधर आओ रे बाबा। भाई ये धोती वाली आइटम तो बहुत नचरेली है। मैं बनाएगा ना पूरा ये सी संडा और लोटा भी पूरा चांदी का, पूरा चाल में ये सिक्कर डालेगा। किधर अपना माल इसने चोरी तो नहीं किया ना भाई? अबे ये काले चश्मे वाला सफेद कबूतर ये क्या चोरी करेगा रे? साला बाजू वाले के कुकर की सीटी बजती है तो इसकी सीटी बजने लगती है। अच्छा ये सब भाई लोग इधर आओ, आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में 3-3 नल लगा देने वाला हूँ। जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल। और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। तेरे बाप की शादी है क्या रे? बाप ने शादी किया तभी तो मैं पैदा हुआ, तेरे जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। शाम तक तोतले को पैसा देने और ये बाबू भैया बाहर उछल रहे। राजू बहुत बुरा सपना है, ये बाबू भैया सारे चौल के सामने पैसा आने से पहले ढिंडोरा पीट रहे हैं। अरे वो सचमुच ढिंडोरा पीट रहे सारे चौल के सामने चिल्ला चिल्ला कर। क्या बात कर रहा है? हाँ मैं तो बोलता हूँ यार, बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग यहाँ से निकल चलते, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे अपने को। उसको रोक, मैं ये सब कुछ संभालता हूँ, तू जा। इधर पब्लिक में शोर नहीं करने का रहा। अबे मंदिर से चिल्लर चोरी कर क्या साले, चिल्लर चोर। ये चोरी मंदिर से नहीं किया रे, चोर के घर से किया। बताऊँ कल क्या किया मैंने, तेरे को बताऊँ क्या? बोलो भैया, 5000 का लॉटरी लगा तो ढोल बजाकर पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत है? आप भी 5000 5000 लगा तो सटिया गया। लो सुन लो, 5000 की लॉटरी में तीन नल बेवड़ा कहीं का। चलो चलो रे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बाबू भैया चुप यार, चुप। बाबू भैया ये क्या कर रहे हैं आप? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप सारे मोहल्ले में बर्थडे पार्टी मना रहे। बच्चा तो तेरे को बच्चा होने वाला है? ये राजू इसका शादी कब हो रही है? बोलता अरे इसका शादी नहीं हुआ, शेख चिल्ली की फोटोकॉपी। रोकड़ा रोकड़ा आया नहीं कि अयाशी शुरू। ये पिज्जा कैसे लाए आप? वो डोमिनो वाले का स्कीम है ना कि 30 मिनट में नहीं आया तो फ्री देता है, मैंने उसका कर डाला। मैंने 30 मिनट के बाद आया पिज्जा। नहीं रे बाबा, वो तो बेचारा 20 मिनट में ही आ गया, लेकिन मैं उसके सामने गया ही नहीं। वो मेरे को इधर उधर ढूंढता रहा और मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहा। जैसे 30 मिनट हो गया कि मैं कूदा, ला रे बाबा फ्री ला ला। तो मैं भी फ्री खाता हूँ, चलिए लाइए। हाँ तुम लोग दोनों बैठ के अयाशी करो, मैं जाके काम करता हूँ, भंगार वाले को माल बेच के आता हूँ। ठीक है? हाँ यार जल्दी सौदा करके आ, आज टोटले को चुकाने का आखिरी दिन है यार। अरे सैंपल लेके जा रहा हूँ, देख सैंपल, तू ये सैंपल के मुँह पे स्टेपलर लगा बस। ये धोतर चोर, धोतर चलिए आप, धोतर चोर। ये तो वही चाहिए, कलाना कलाना बंदूक वाला। भाई कचरा सेठ। हाँ बोलो कचरा सेठ। वो बंदूक वाला इधर ही जा रहे हैं। एक काम करो तुम फटाफट फटफटी पे बैठ के यहाँ जाओ, तब तक मैं उसे संभालता हूँ। अच्छा चलो। एकदम कड़क माल है ना? ये ले 5000। नहीं नहीं सेठ, ये सैंपल है, मेरे पास 100-150 किलो है। 100-150 किलो माल, मतलब 2-3 करोड़ का माल है। तूने क्या गंजे का खेती चला के रखा? माल रेडी है, रोकड़ा रेडी है। क्या कैसी बात करता है? ये बंगार की दुकान में मैं 2-3 करोड़ रुपए लेके बैठूंगा। तो एक काम कर, तू मुझे फोन कर, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर। है? जा। इना मीना डी का। ए, तेरे को मेरे 3 बेटियों के नाम कैसे मालूम है? बता ना कैसे मालूम, बता ना। मेरे कॉलेज में पढ़ती है। ए, वो 3 तो तीसरी में पढ़ती है। सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम। इना जी, मीना जी, डीना जी, मेरी बात सुनिए। मीना जी तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अरे मुझे आप में इंटरेस्ट है। क्या? मेरा मतलब मैंने आपको पैसे देने हैं ना, उसका इंटरेस्ट भी तो देना है। अरे मेरी बात तो सुनिए, कहाँ जा रही है? वहाँ समुंदर है। मैं समुंदर में जाऊँ या कुएं में डूब के मरूँ, तुमसे क्या? अबे वो देख, ओए बुलबुल रंगदे बसंती चोला, तेरा भाई किधर है? तुम लोग ए काले पीले गुंडो साले, एक हाथ मारूंगा ना खींच के सारी की सारी चर्बी बाहर आ जाएगी, समझे ना? ए तेरी तो ए रहने दे रहने दे, पहचाना? वही सरफिर आशिक है, पहले इस लड़की के भाई के 20 लाख रुपए खा गया और जब अपने तिवारी सेठ ने इस छमिया को उठा लिया ना, तो सामने से आके बोलता है चाहे तो मेरी जान ले लो पर इस लड़की को छोड़ दो। शाम तक पैसे नहीं दिए ना तो ये तो वैसे भी गया। तो ये है तुम्हारी असलियत? नहीं नहीं टीना जी, मीना जी, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे आप सोच रही हैं। ये तो मैं थोड़े लालच की वजह से पैसों का लालच, वो सॉरी, मेरी वजह से आपको और आपके परिवार वालों को तकलीफ हुई होगी। हुई है हुई है, आप शाम को सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं लगता आप मुझे माफ करेंगी, लीना, टीना, मीना, जो भी नाम है आपका। सुनो जी दूसरी बात यह कि मेरा नाम अंजलि है। I'm sorry अंजलि जी। दूसरी बात? तो पहली बात क्या है? यही कि मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? कौन से पैसे? अरे हाँ हाँ, छुट्टे नहीं है मेरे पास। यहाँ की पानीपुरी पूरे मुंबई में वर्ल्ड फेमस है, चलें? शर्म आ गई। चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? ये राजू अभी तक आया नहीं। वो तोतला के आदमी कभी भी मारने आ सकते बाबा। वो लोग आए उससे पहले चल जाकर राजू को ढूंढते। क्या बोलता है? हाँ चलिए। पांडुरंगा टांग गिर गया, इसको ढूंढते ढूंढते सब भंगार वाले को पूछा मैंने, ये भंगार वाले मेरे को लाफा मार दिया। बाबू भाई आप भंगार वाले से पूछेंगे यहाँ कोई गांजा बेचने आया था क्या, तो वो लाफा ही मारेगा ना आपको। ये कूतरिया गेला कुठे। वाह, शांत हो जाइए आप, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। यहाँ 4-5 भंगार वाले है ही। अनुराधा। अनुराधा नहीं रे बाबा, अनुराधा को कैसे बेचेगा? अरे अनुराधा बाबू भैया। Oh my God! ये अरे पकड़ो पकड़ो, ये का डबल। बाबू ऐसे चली, ये का डबल करती है तू। बानू राधा, ये मिलिट्री अपने पीछे काय को पड़ी है। बाबू भैया ये राजू के चक्कर में आज हम शहीद हो जाएंगे लगता है, चलिए जल्दी। ये श्याम। बाबू भैया ये धोती पैर में आ रहा है। अरे आप ऐसा धोती खोल के क्यों पहनते हैं फिर? तो तू बोला तो धोती निकाल के भागता हूँ। आप गाड़ी में बैठिए, चलिए चलिए आप चलिए। ये भाई साहब हटो, मेरा ठेला मेरा ठेला। अरे यार रुक क्या। अनुराधा मैं केला मारता हूँ छिलके पे फिसलेगी। अनुराधा रुको। ये कच्चा केला तो। अरे ये म्यूनसिपैलिटी को कहाँ लेके जा रहा ठेले पे? वो नहीं लगता लड़की मिलिट्री वाले के भी पैसे खा गए। अरे बाबा मेरी अनुराधा को मिलिट्री वाले पकड़ रहे हैं। अनुराधा आज प्यार का पहला दिन है, ये तो खाना ही पड़ेगा। आंखें बंद करो, मुंह खोलो। अनुराधा रुको। हा? मेरा पैसा खा गई क्या? आपको नहीं बोल रहा हूँ। ये पकड़, ये श्याम बाबूरा को बेचने क्यों निकला है? ये श्याम। राजू। बहुत भाग रही थी यार। पकड़ रहे। ए मेरी अनुराधा को मार रहा है, मेरी अनुराधा को मार रहा है बाबू भैया। ये इसका ब्रेक किधर है? जय महाराष्ट्र। चल हीरे निकाल, चल हीरे निकाल। मिलिट्री वाले भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी अनुराधा प्यार से पेश आई है ना। ये छोड़ रही है, मेरा पैसा लेके भागे। छोड़ रहे तू मेरा पैसा। अरे मिलिट्री वाले नहीं गुंडे हैं। क्या मायला ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। अरे बाबूया बाबूया मेरी अनुराधा। ए गुंडे भाई साहब छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कितनी बार बोले छोड़ो छोड़ो। मेरी अनुराधा कितनी बार बोला तो कितनी बार बोला। ये मारने का नहीं है। राजू राजू ये देख, ये मार मार, ये टक्कर ये टक्कर। ये मेरा चश्मा। अरे तू क्या कर रहा है? या तू घर पे जा रहा है, साला अपना ही आदमी को मार रहा है। घर पे जा। इधर इधर इधर। पैसा किधर है? अरे आर्या तू उसको छोड़। पकड़ के रखो, पकड़ के रखो उसको। अरे मारा किधर? उठेगा तो बाम्बू से मारूंगा। इधर इधर इधर। मेरा पैसा दे मेरे को, मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए मेरा, मेरा पैसा दो। राजू टेंशन मत ले यार, प्लीज यार। चल राजू संभाल, उसका हाथ निकल जाएगा। राजू तू चल। यानी वो कबीरा के साथ जो गुंडी थी, तू उसकी बहन है? मेरी बहन का तलाक हो चुका था और उसकी एक बच्ची भी थी। पता नहीं कब वो कबीरा की गैंग के साथ काम करने लगी। मेरी बहन को तो कबीरा के साथ पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया था और उस बदनामी की वजह से मेरी नौकरी भी छूट गई थी और बहन की बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मेरे पास डांस बार में काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक दिन जब मैं घर पहुंची तो मुझे कबीरा के खास आदमी की एक चिट्ठी मिली। अगर तू अपनी बहन की बच्ची को जिंदा देखना चाहती है तो एक जाली फाइनेंस कंपनी खोल और वो तीन जिन्होंने मेरे बॉस कबीरा के पैसे खाए हैं उनसे वो पैसा वसूल कर, वो भी दुगना। मैंने उनके कहने के मुताबिक आप लोगों से लिया हुआ सारा रुपया डायमंड्स में तब्दील किया, लेकिन जब मैं उन्हें वो डायमंड्स देने उनकी बताई हुई जगह पर पहुंची तो बच्ची भाग गई। अरे एक छोटी सी बच्ची पर तुम लोग नजर नहीं रख सकते हो यार। बच्ची मौसी हीरे लेके आएगी, मैं उसका क्या करूँगा, मैं क्या खाऊंगा। आ गई हीरे ला। नहीं। ए हीरोइन, ए पकड़ा। अब्दुल चाचा। अरे बेटी तू। चाचा चलिए यहाँ से, मेरी गाड़ी बिगड़ गई है, टाइम लगेगा। मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। ओह माय गॉड। चाचा ये किसी की अमानत है, आप इसे संभाल कर रखिए, मैं बाद में ले लूंगी। उस दिन से आज तक मैं उन लोगों से अपनी जान बचाकर भागी रही हूँ। गुंडों से पीछा छुड़ाकर जब मैं अब्दुल चाचा के घर पहुंची तो अब्दुल चाचा अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। चाचा मैंने जो अमानत आपको दी थी वो कहाँ है? क्या कुकड़ू को? लगता है मरने से पहले मुर्गा देखना चाहते हैं। कुकड़ू को क्या? कुकड़ू को। चाचा कुकड़ू को। हाँ कुकड़ू को। कैसा है ना? एकदम कड़क, 100-150 किलो है। बोलो कितना चाहिए, बोलो। साले कचरे के आइटम, मेरा माल चुरा कर मेरे को ही बेचता है। अरे तू मेरा माल मैंने किधर चुराया? अरे किसने चुराया? अरे मेरे को क्या मालूम किसने चुराया। एक छोकरा आया था 6 फुट का, ये 6 इंच की पुड़िया लेके। माल किधर है? छोकरे के पास। अबे छोकरा किधर है? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ, मैंने उसे फोन करने को बोला है 4 बजे। उसका ही होगा। हेलो कचरा सेठ स्पीकिंग। हाँ कचरा सेठ, राजू बोल रहा हूँ। उसका ही है। फौरन माल लेकर बुला इधर। भाई तेरे लिए पैसे का इंतजाम हो गया है, तू झट माल लेके इधर आ जा। किधर? इधर बोले तो शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने। अच्छा, शमशान के सामने, ठीक है। शमशान के सामने? एक मिनट कचरा सेठ, एक मिनट। वो माल देने को बोला रहा है कि जान देने को बोला है? शमशान के पास नहीं, कहीं और बोलना, कहीं भी यार। हटो तो। कचरा सेठ, वो रॉयल सर्कस देखा आपने? हाँ वो जो SG मैदान के सामने मटुंगा के पास। हाँ वही। रॉयल सर्कस काय को? प्लीज। वो रॉयल सर्कस में बुला रहा है क्यों? छोटा बच्चा है क्या? शक्ल से तो बड़ा है, अकल का पता नहीं। अच्छा, जो भी है फौरन बुलाओ उधर। हाँ भाई तू जल्दी आ जा, रॉयल सर्कस में आ जा, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। फर्स्ट क्लास खोली में जाके माल लेते हैं और सर्कस में जाके माल लेते हैं। चल। तोतला सेठ को कौन फोन करेगा? तोतला सेठ तू करना फटाफट कर। अरे पैसा डालना अंदर। तिवारी स्पीकिंग। हेलो तोतला, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी। हाँ हेलो तो तिवारी सेठ, वो 40 लाख आपके मिल गए। आप प्लीज वो रॉयल सर्कस के पास, वो मटुंगा के पास आकर उधर से ले लेना। रॉयल सर्कस क्यों? तुम लोग पैसा लेते लाओ, क्योंकि क्या वो रकम बड़ा भारी भी है ना, हमको वही मिल रहा, तो आप वहीं से आके ले लेना ना। ओके ठीक है। फर्स्ट क्लास। चल जल्दी चलो। चलिए। छोटे मोटे अड्डे छान मार के देखा हूँ, सर्कस के जोकरों को लटका के मार के देखा हूँ, मगर मेरे माल का कहीं पता नहीं चल रहा है। कहाँ है मेरा माल? मुन्ना भाई माल बिक गया और हमको याद भी नहीं किया है। कौन सा माल? अरे वो जो माल बिक गया, लेकिन बंगर वाले क्यों बेचा? वो नानजी भाई का माल नानजी भाई को बेचने गया, बहुत बड़ा लफड़ा नहीं वाला था। अबे कौन सा बंगर वाला, कौन सा माल, तेरे को छपड़े पे ले जाके फेंक डालूंगा मैं। बस क्या मुन्ना भाई, 50% प्रॉमिस के अभी पलटी कर रहे हैं आप। अबे 2 टके के भंगार वाले की खीर पका के मेरे को कंफ्यूज कर रहे साले, तेरी तो पुलिस वाला समझ रहा तू, एक्टिंग कर रहा मेरे सामने। नहीं लगी तो चिल्लाता क्यों नहीं? तेरी एक्टिंग की तो साले पता मार किधर है? बोल माल किधर है? मुन्ना भाई माल इधर ही है, माल इधर ही है। अब आया ना लाइन पे तू? हाँ बोल क्या माल, बता माल किधर है तो फाड़ डालूंगा तेरे को। मेरा मतलब है माल इधर नहीं उधर है। क्या बोला? उधर है। बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। निकालो बाल, निकालो, निकालो बाल, बाल। साले इस बूढ़ो की धोती क्या मैंने चुरा ली, साले ने 3-4 करोड़ का माल अंदर कर लिया। बात याद रखना बेड़ो, हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं होता। ये भाई सही है। गुरु घंटाल क्या है, क्या है ये? FBI, CBI, TBI साला ले जाके बेच डालता हूँ, लफड़ा खत्म है आप। और सुनो जैसे वो आएंगे ना तीनों को भून डालना, उड़ादार सालों को। भूलेगा भाई? भाई मालूम है, देता हूँ काम पूरा करो, तुम लोग को मिल जाएगा, समझे? ओके। यार अभी तक आए नहीं ये लोग। आते ही होंगे, आएंगे तो आप उनसे बचेंगे ना ये लोग। एक दो तीन चार, 4 पैर 3 आदमी लोग आने वाले थे। चलो अटैक। अबे बोलो तीसरा आदमी कहाँ है? तीसरा आदमी ऊपर है। ए छोड़ छोड़ आओ बाबा, ये देखो रे हमारा गरीब खाना। आ रे आज से सब टेंशन खत्म हो जाएंगे। कम कम मैं दरवाजा खोल के आता हूँ ना, दरवाजा खोल के। लगता है किसी दूसरे का खोली में आ गए बाबा। ये सोता रे, सॉरी सॉरी हाँ सोता रे। चल विसर लो रे। अरे देवा ये मंदिर मेरा है, क्या मायला ये अगरबत्ती भी मेरा है, ये घर भी मेरा है। ये लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। ये राजू। हाँ ये बाबा आती है रे, आती है काय गड़बड़ी जाली है, आती है रे। ये देख ये देख ये लोग कौन है? पता नहीं, शक्ल से तो तेरे सगे वाले लगते हैं। ए श्याम वो सामने, जल्दी आ रे इधर। लगता है खजाना बहुत भारी है ना, तो मैं हेल्प करके आता हूँ। आया क्या है? ये माल किधर गया? माल चोरी हो गया क्या? चोरी? पहले मुन्ना चोरी करके लाया, फिर मुन्ना का घर से चोरी करके इधर लाया, और फिर से मुन्ना चोरी करके लेके गया। क्या मायला इतनी हेरा फेरी रे। मैं तो बोलता भाग चलो इधर से, छोड़ो। क्या रे हमको मारने के लिए घर में गुंडे रखे थे? हाँ गुंडे, गुंडे नहीं अंडे हैं, फूट गए। मालूम नहीं है कौन है। क्या रे निकले यहाँ से, रेलवे स्टेशन है क्या? चलो उठो ऐसे। ये साला भाड़ा हम लोग भरता आके ये लोग सोता है रे। पैसा किधर है? हे मालिक आप तो हमेशा पैसे मांगते रहते। शाम को बोला ना। अरे मेरे को किधर बोला रे? अरे शाम मतलब इवनिंग रे, इवनिंग। अरे मालिक अपने बड़े मालिक को बोल देना कि हम लोग 5 बजे रॉयल सर्कस पैसे लेके पहुंच जाएंगे, तब तक आप लोग झूला झूलो। ओके प्लीज। अच्छा चलो मैं तुम लोगों को झूला झूलाता हूँ। रॉयल सर्कस? अरे हम लोग पैसे आपके घर पे दे के आ जाएंगे ना यार। मैं भी चलता हूँ ना तुम लोगों के साथ। नहीं रे वो पार्टी तुम्हारा शक्ल देख के पैसा नहीं देगा रे। दिखनी चाहिए तभी ना। क्या हो रहा है ये सब? भाग रहे हैं तुम लोग, भागो। अबे हट, अच्छा हट। उठो, जल्दी उठो ना। अरे आप कहाँ जा रही है? चलिए कुछ करते हैं। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो राजू। चलो अंदर बैठो, चलो। ए सुनिए, देखिए देखिए, हम लोग आपको पैसे दे देंगे, आप उनको, दोनों लड़कियों को छोड़ दो, हम दे देंगे। छोड़ थोड़ी हम लोग। शाम को रॉयल सर्कस आ जाना और पैसा देकर अपनी महिलाओं को छुड़ा ले जाना, समझे? ये राजू, ये दिमाग का बत्ती चला रहा बाबू, क्या ट्यूबलाइट थोड़ी हूँ। रॉयल सर्कस, चलो मुस्टैंडो। बाबू भैया किधर है यार? अरे तू जल्दी चलना, फिकर मत करना, गेट के लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, फिकर मत कर तू। ये देख, ये रे केले को घूर रहे हैं। ओ बाबू भैया, बाबू भैया ये क्या रहे, इधर धूप में छाता बना के छोड़ा है, क्या कर रहे हो? ये माल मिल गया, माल मिल। अरे ये डुप्लीकेट बैग है और माल भी डुप्लीकेट है, घास फूस और नमक है इसमें, आप चलिए। नहीं मेरे को नहीं आने का, मेरा भी डुप्लीकेट लेके जाओ, मेरे को नहीं। चलो पहले आपका डुप्लीकेट बाद में करेंगे, चलो। राजू एक फूटी कौड़ी नहीं है, सब तो इसमें डाल दिया, सर्कस कैसे पहुँचेंगे? अरे पहुँच जाएंगे यार, फिक्र क्यों करता, भगवान ने चाहा पहुँच जाएंगे। चश्मिश अंकल, हाँ? मुझे एक बर्फ का गोला खिलाओ ना। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच यार, सर्कस कैसे पहुँचेंगे? राजू सोच यार, सर्कस कैसे पहुँचेंगे यार? अरे चलो चलो चलो, ये वो देख रामलीला। हाँ बराबर, चलो। अभी तो रामलीला देखने को बैठेगा रावण। अरे ये अपनी चाली वाली रामलीला, उसमें चलते हैं ना, उसको बोलते हैं ना रॉयल सर्कस छोड़ देगी अपने को, चलना जल्दी चलो। ए रुकना रावण जी, रॉयल सर्कस। फुगा दो ना, फुगा दो ना अंकल, फुगा दो ना अंकल, फुगा दो ना। अरे बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मौसी को छोड़ो, बच्ची को पकड़ो, मौसी ऑटोमेटिक हाथ में आ जाएगी। ये बुड्ढे, बेटी तेरी मौसी से कहना कि उसकी अमानत ये कुकड़ूकू में है। कुकड़ूकू? अरे ठहरे मुसीबत, ए ए मुसीबत, ए हट। कुकड़ूकू ये निकले बाबा, साला खुद हवा खराब करता है और खुद पंखा चलाते, निकल। कितना पावड़ा खाता है दबा के। ये रामलीला मंडली, थैंक यू रे। आज अगर हमारा इधर काम हो गया ना बाबा, तो मैं तुमको 1 लाख रुपया। चलो चलो यहाँ से, तू ऊपर भी कपड़ा पहना, दे देंगे। ओके ओके, चलो चलो चलो, ओके बाय। सुना, 1 लाख की बख्शीश, इसका मतलब झोल बहुत बड़ा है, रुकते हैं। बाबा इतना बड़ा तंबू में किधर ढूंढेगा रे तोतले को? हैं? बाबा ये देखो, कुठे? उधर देखो, उधर तोतला है, तोतला, तोतला है, तोतला। मेलिया, इधर खाली पॉपकॉर्न ही मिलते हैं। जमाला, ये टाइम से पहले आ गया रे, इसको अभी पैसा लग के किधर से देगा रे? एक काम करते हैं, इनसे पैसा लेके उनको दे देते हैं। हाथी? अभी तो हाथी बेचने को किधर जाएगा रे कूतरिया? अरे हाथी के पीछे देखो ना, वो क्या सफेद हाथी नजर नहीं आ रहा है? ये उसको दे देते हैं, मैं भी उसको बोल के आता हूं, बेचारे धूप में खड़े। अरे वो तुम्हारा मामा लगता है क्या? चलो। अरे अरे ये वो दिखाया, माल लेके भून देता है साले को। ये पब्लिक प्लेस है, इधर कुछ ऐसा नहीं करना। एक बार उसका सूरत देख लेने, फिर उसको सूरत स्टेशन पे भी जाके उड़ा सकते हैं। उसके लिए ये नकली नोट लाया हूँ, पहले उसके पास से असली माल ले लेते हैं। मेरा 2 टका नहीं बोलना। हाँ। नमस्कार नमस्कार मंडळी, माल लाया? तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ? तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने तू दे, पहले तू दे, देना दे रे, वो दे। हाँ देता हूँ ना, ये ले, ये ले पकड़। ये भाव, ये पहले माल चेक करके देख ले। अरे ईमानदारी की पिपड़ी बजाना बंद करो। तू भी चेक कर लेना, रोकड़ा एकदम असली है। हाँ फटाफट 40 लाख अलग कर लेते हैं, उसके बाद हाँ तो इधर ही कर डालना। अरे इधर का, अरे इंक्वायरी, वहाँ चलते वहाँ चलते। अरे भाई साहब इसका बच्चा खो गया। भाई साहब, हाँ भाई साहब इसका बच्चा खो गया। भाई साहब मेरा बच्चा? उस बच्चे का नाम क्या है? हाँ बाबू राव तो मेरा नाम है रे। जूनियर बाबू राव। जल्दी खोल रहा हूँ ना, एक मिनट बाबू भैया, एक मिनट। पूरा है रे, ला धोती, छोटा बड़ा दो धोती पहन के आना चाहिए था। ये 500 के नोट में ये बाल कैसे आ गए रे बाबा? अरे ये तो मल्टी स्टार का नोट है, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान आ गए इसमें। चूना लगाया, टोपी पहनाया साले ने। अरे चूना लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? एक मिनट सोचने तो यार। अब क्या करेंगे राजू? सुन मेरी बात सुनो। मेरे को मालूम है इसमें नकली नोट है, तुम दोनों को मालूम है इसमें नकली नोट है, लेकिन वो तोतला को नहीं मालूम है। तो उसको बोलना पड़ेगा ना। अरे उसको तुम प्लीज चुप रहो यार, प्लीज चुप रहो। एक काम करो, सब पैसे इसमें डालो और उसको दे देते हैं। चलो जल्दी करो। तिवारी सेठ इधर। हाँ पैसा आ जाओ। चलो तालीस लाख लाया। तुम लड़की लाए? लड़कियां लाए। पहले 40 लाख दे, फिर मैं लड़कियां भेजता हूँ। तुम लड़कियां दो, हाँ? फिर मैं पैसे दूंगा। पहले तुम लड़कियां दो मुझे। लड़कियां खरीदता है? अरे खरीदा नहीं है रे, वो थोड़ी देर उसके पास रखा था, अभी वापस ले रखा। आप रहने दीजिए प्लीज, आप रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। आप जाइए बहन जी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। ले जाइए इन्हें। हाँ, बेशरम कहीं का। प्लीज चलो। लड़कियां लाए? इसका तो सीटी भी तोतला है। ये आली रे। अंधे है क्या हम लोग, देख रहे हैं ना? आली। हाँ ठीक है। ए ताने पताला ताल। पहले तुम लोग लड़कियां भेजो। दो। ये लो। मेरे को नहीं, उसको देने कह रहे। अरे बाबा आप लेके जाओ, हम लोग लड़कियां संभालेंगे ना। आप बड़े हो, जाओ। हमारा आदमी। कैसी है? अरे छोड़ो ना, बातचीत क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। बाबा भैया कुछ किया तो नहीं इन लोगों ने? ये ले बाबा। बोले ताली लाता है, पूरा तो नहीं है। हाँ बोले तो थूक लगा के नहीं गिना, लेकिन 100-200 ज्यादा ही होगा। हाँ। सर जी ये देखिए सामान मैं ले आया, मेरे माल का सौदा। अरे बलदेव भैया तो धमाल हो दिया, धन भी आ दिया। ये ले तेरा बच्चा सलामत रहे। जा क्या लगे? साले नकली माल बेचता है। चुप, तू कौन सा असली दिया? तू साला मेरे को एक नोट नकली दिया बैग के अंदर। ये तेरे को पता चलेगा कि बैग में नकली नोट है तो तू इसको छोड़ेगा? बाबू भैया तू बहुत डेंजर मानुस है ना। क्या बोला रे? ये गंजी फ्रॉक साला सेठ का असली माल चुरा के हमको नकली माल देता है। अरे ये चप्पल फेंक के दांत तोड़ डालेगा तेरा। तालितला देवी तालिका दे देता ताल डालूंगा तेरे तो। अपना माल वापस दे चल। अरे किधर से लाएगा रे माल? साला करके गया काम और बाबू राव का नाम किधर से लाएंगे? जब यह दाढ़ी देता हूँ तो। बाबू भैया को हटाना वहाँ से। एक ही रास्ता। असली बात तो गाड़ी में 3-4 करोड़ का माल है। गाड़ी में। चलो बैग लो। ये बैग दे।